नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू PTV। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी जिस तरीके से काम करते हैं उसको जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। नितिन गडकरी आए दिन नई नई सड़कों का निर्माण करवाकर देश को नई नई सौगात दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कल उन्होंने अपने एक भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ़ कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की ज़रूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने का इरादा हो। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी। आर्थिक सुधारों के लिए देश उनका ऋणी रहेगा। मैं 90 के दशक में महाराष्ट्र में मंत्री था। हमने सड़क बनाने के लिए पैसे जुटाने की खूब मशक्कत। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। गडकरी ने कहा उनका मंत्रालय 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहा है और उन्हें पैसा की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनके अनुसार 2024 तक नेशनल हाईवे का टोल राजस्व 1.40 लाख करोड़ हो जाएगा, जो वर्तमान में 40,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। तो दोस्तों आप भी बताइए कि आप नितिन गडकरी के काम करने के तरीके से कितना प्रभावित हो और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट